सीआईडी क्राइम ब्रांच जयपुर ने पकड़ी शराब, एक आरोपी गिरफ्तार। 575 शराब की पेटियां, 75 लाख कीमत। सीआईडी क्राइम ब्रांच जयपुर ने बगरू थाना इलाके के टोल प्लाजा पर कार्यवाही करते हुए बड़ी संख्या में शराब बरामद की है। पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब की 575 पेटियां बरामद की। पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध शाखा के रवि प्रकाश ने बताया कि राजस्थान में नए साल की यह पहली बड़ी कार्यवाही है जहां एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 575 अंग्रेजी शराब की पेटियां बरामद कर कंटेनर को जब्त किया है। यह कार्यवाही पुलिस उप अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौर के सुपरविजन में टीम द्वारा बगरू थाना इलाके में की गई है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक 12 चक्का कंटेनर हरियाणा से गुजरात जा रहा है जिसमें अवैध शराब भरी हुई है। स्थानीय पुलिस के सहयोग से बगरू टोल प्लाजा पर नाकाबंदी कर मुखबिर के बताए अनुसार कुछ देर बाद कंटेनर आते हुए दिखाई दिया, जहां पुलिस ने रुकने पर इशारा किया तो चालक कंटेनर को आधा तिरछा कर भगाकर बचकर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन भारी पुलिस टीम को देखकर भाग नहीं पाया। पुलिस ने कंटेनर को रुकवाकर चालक से गाड़ी में भरे सामान की जानकारी चाही तो चालक डर गया और कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। पुलिस ने कंटेनर को चेक किया तो उसमें अवैध अंग्रेजी शराब की पेटियां नजर आई, जहां पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर थाने में खड़ा करवाया। चालक यह शराब हरियाणा से गुजरात ले जाना कबूल किया। पुलिस ने कंटेनर चालक सुखदेव जाट को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने बताया कि शराब की बाजार कीमत लगभग 75 लाख है। ब्यूरो रिपोर्ट, जयपुर।